हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसमें हम आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाएँ क्या क्या हैं, इनकी भाषा शैली क्या है और इनका साहित्य स्थान क्या है, इन सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं। तो जीवन परिचय यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं। राम भक्ति शाखा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में विख्यात है। अब इनके जीवन परिचय के बारे में सूक्ष्म जीवन परिचय एक बार देख लेते हैं। तो नाम है इनका गोस्वामी तुलसीदास, पिता का नाम है इनका आत्माराम दुबे, जन्म है सन 1535 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। भाषा शैली है इनकी भाषा ब्रज अवधि, शैली है इनकी दोहा, चौपाई, गेयपद, लोकगीत। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि। निधन हो गया था इनका सन 1623 ईस्वी में। साहित्य में स्थान, राम भक्ति शाखा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित प्रमाणित सामग्री अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास में इनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। बेनी माधव प्रणीत मूल गोस्वामी चरित तथा महात्मा रघुवर दास चरित रचित तुलसी चरित में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 बी सन 1497 ईस्वी दिया गया है। बेनी माधव की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी की भी उल्लेख है। इस संबंध में निम्नलिखित दुआ प्रचलित है। 1554 बीसे कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। फिर इसके बाद दिया हुआ इसमें शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1583 बी सन 1526 ईस्वी बताया गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म संवत 1589 बी स्वीकार किया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भी इसी जन्म संवत को मान्यता दी गई है। निष्कर्ष रूप में जनश्रुतियों एवं सर्वमान्य तथ्यों के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 बी सन 1532 ईस्वी को माना जाता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है, इनके जन्म स्थान के संबंध में भी पर्याप्त मतभेद हैं। तुलसी चरित में इनका जन्मस्थान राजापुर बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक गांव है। कुछ विद्वान तुलसीदास द्वारा प्रचित पंक्ति मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर केत के आधार पर इनका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश स्थित एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि सूकर केत को भ्रम व सोरो मान लिया गया है। वस्तुतः यह स्थान आजमगढ़ में स्थित है। इन तीनों मतों में इनके जन्म स्थान को राजापुर मानने वाला मत ही सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं दिया हुआ यहाँ पर, जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम उलसी देवी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बालकाल में ही त्याग दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध बाबा संत बाबा नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी भत्सना की, जिससे ये प्रभु भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। संवत 1680 सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। इसके बाद दोस्तों इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय में दिया हुआ है, महाकवि तुलसीदास एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं महान लोकनायक और तत्कालीन समाज के दिशा निर्देशक भी थे। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस भाषा भाव उद्देश्य कथा वस्तु चरित्र चित्रण तथा संवाद की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें तुलसी के कवि भक्त एवं लोकनायक रूप का चरम उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। श्री रामचरितमानस में तुलसी ने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन, मित्रता, दाम्पत्य एवं भ्रातृत्व आदि का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह संपूर्ण विश्व के मानव समाज का पथ प्रदर्शन करता रहा है। विनय पत्रिका ग्रंथ में ईश्वर के प्रति इनके भक्त हृदय का समर्पण दिखाई देता है।
इसमें एक भक्त के रूप में तुलसी ईश्वर के प्रति दैन्य भाव से अपनी कथा व्यथा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की काव्य प्रतिभा का सबसे विशिष्ट पक्ष यही है कि ये समन्वयवादी थे। इन्होंने श्री रामचरितमानस में राम को शिव का और शिव को राम का भक्त प्रदर्शित कर वैष्णव एवं शैव संप्रदायों में समन्वय के भाव को अभिव्यक्त किया। निषाद एवं सबरी के प्रति राम के व्यवहार का चित्रण कर समाज की जातिवाद पर आधारित भावना की निस्सारता महत्वहीनता को प्रकट किया और ज्ञान एवं भक्ति में समन्वय स्थापित किया। इसके बाद इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कृतियाँ इनके क्या क्या हैं? श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी एवं भरभ रामायण आदि। काव्यगत विशेषताएं भावपक्ष दिया हुआ है। महाकवि तुलसीदास ने अपनी अधिकांश कृतियों में श्री राम के अनुपम गुणों का गान किया है। शील, शक्ति और सौंदर्य के भंडार मर्यादा पुरुषोत्तम राम इनके इष्टदेव हैं। तुलसी अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं के गुणगान में लगा देना चाहते हैं। तुलसी की भक्ति दास भाव की है। इन्होंने स्वयं को श्री राम का दास और श्री राम को अपना स्वामी माना है। ये राम को बहुत बड़ा और स्वयं को दीनहीन व महापतित मानते हैं। अपने उद्धार के लिए ये प्रभु भक्ति की याचना करते हैं। इसमें दुआ दिया हुआ है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसऊ राम सी मानस मोरे। तुलसी ने समग्र ग्रंथों की रचना स्वांत सुखायाथार्थ अपने अंतःकरण के सुख के लिए की है। इन्होंने लिखा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास की समन्वय भावना के साधक हैं। इन्होंने सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति विषय वैष्णव और विभिन्न मतों व संप्रदायों में समन्वय स्थापित किया। निर्गुण और सगुण को एक माना आया था। अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुद्ध भेदा। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कला पक्ष दिया हुआ है। इसमें भाषा, तुलसीदास की भाषा पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि इनकी भाषा सामर्थ्य अद्भुत है। भाषा प्रयोग में तुलसीदास की समता का कवि हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं है। तुलसीदास की भाषा में विविधता और पूर्णता के दर्शन होते हैं। इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप वीडियो रोककर अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसे ही आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में शैली। इसके बाद शैली हेडिंग दी हुई है, तो इनकी शैली कौन कौन सी थी यहाँ पर दी हुई है, इनको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। वास्तव में तुलसी हिंदी साहित्य की महान विभूति। इन्होंने राम भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित करके जन जन का जीवन यथार्थ कर दिया। इनके साहित्य में राम गुणगान, भक्ति भावना, समन्वय, शिवम की भावना आदि अनेक ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो इन्हें महाकवि के आसन पर प्रतिष्ठित करती हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप लिख लीजिएगा अच्छे से। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।